आज हम देखते हैं दुकान का रजिस्ट्रेशन, या जिसे कहते हैं हम गुमास्ता रजिस्ट्रेशन। हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया था और उसके अंतर्गत ये चीज़ें क्लियर की थी किस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और घर बैठे दुकान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूजर्स का कहना था कि ये कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली वो कंप्लीट ही रजिस्ट्रेशन था, लेकिन उसमें हमने चालन किस प्रकार से जनरेट करें ये उसमें नहीं जोड़ा था। चालान के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम दोनों चीज़ों को एक साथ कहीं ना कहीं कंबाइन कर रहे हैं कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन हो जाए और फिर आप चालान को भी जो है कि किस प्रकार से जनरेट कर सकें। तो बड़ी स्टेप आसान स्टेप है, आप खुद ही चालान भी जनरेट कर सकते हैं और गुमास्ता का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और वो भी बहुत इजी तरीके से। लेकिन चालान जनरेट करने के लिए आपका नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड आपका होना चाहिए, क्योंकि ये जो चालान है ये एमपी ट्रेजरी से जो है कि डिटेक्ट होता है और वहीं से जनरेट होता है। तो एमपी ट्रेजरी से आपको चालान जनरेट करना होगा, और उसके लिए आपको जो है कि बैंक आपका जो नेट बैंकिंग है वो एक्टिवेट होना ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आप कहीं और से कीजिए, जिसका भी है उसके द्वारा भी ये करवा सकते हैं। यानी आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए, इसके बाद चालान बाद में लगा कर अटैच भी कर सकते हैं, या चालान पहले बना कर रख लीजिए, इसके बाद उसको अटैच कर सकते हैं। तो अब आज हम सारी चीज़ें स्टेप वाइज देखते हैं कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम दुकान के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो चालान रखता है वो चालान हम जनरेट कर सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं इजी स्टेप में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको labor.mp.gov.in ओपन करना है। ये सिर्फ एमपी स्टेट के लिए है, एमपी के अंतर्गत निवास करने वालों के लिए है। बाकी का सभी का अपना अपना स्टेट का साइज अलग अलग होता है, कुछ का ऑफलाइन प्रक्रिया में है, कुछ का ऑनलाइन हो गया है। तो आप लेबर डॉट, जैसे यूपी है तो उसका यूपी, या गूगल पे पर जाकर के भी आप इससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। अभी हम एमपी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको labor.mp.gov.in जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये साइट ओपन करना है, इसके लिए एंटर कर देना है, और जैसे ही जब आप एमपी लेबर डिपार्टमेंट की साइट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आपको जी एक ऑप्शन मिलेगा, वो है दुकान एवं स्थापना अधिनियम। आप इसे क्लिक करें, जिससे श्रम विभाग मध्य प्रदेश वाली ये साइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। दुकान का रिन्यू करना है तो रिन्यू ओल्ड रजिस्ट्रेशन और न्यू के लिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन है। तो अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले आपको कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर देखनी होगी, समझनी होगी, और वो है इसे चालन से रिलेटेड। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप ऑफ माई स्टेबलमेंट इसे क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है वो है इसका माइनर और मेजर हेड। ये यदि आपने गलत कर दिया कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि आपका जो चालान बनना है वो गलत हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर कुछ नियम भी दे रखे हैं। प्रारंभ होने दुकान प्रारंभ होने से 30 दिन के अंदर ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, और नवीन पंजीयन और पंजीयन नवीनीकरण दोनों की सारी डिटेल यहाँ पर भी दे रखी है। इसके साथ ही साथ आपको यहीं पे मिल जाता है जो है कि इसके चालान हेड नंबर। जब आप इसकी डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट कर लेना है, वो है इसका साइबर ट्रेजरी हेड नंबर। ध्यान रहे, क्योंकि जब आप साइबर ट्रेजरी पर जाएंगे या एमपी ट्रेजरी पर जाएंगे, तो वहाँ यदि आप हेड नंबर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो चालान आपका किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये एक विशेष ध्यान रखना है, ये हेड नंबर आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ये है 330001011101, है ना। तो ये आपको यहाँ से या तो आप नोट कर लीजिए या फिर इसको कॉपी भी करके आप अन्य उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हेड वाली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है कि आपको लेबर डिपार्टमेंट की मैंने साइट आपको बताई दी थी, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है, जिसमें आपको एप्लीकेंट नेम डालना है,
फादर नेम डालना है, स्टेटस डालना है प्रोपराइटर है ओनरशिप है, यदि पहले का कोई लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर, जहाँ जो भी फील्ड स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी होता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है एप्लीकेंट का डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर अभी मैंडेटरी कर दिया है, एड्रेस कंप्लीट डालना है, नेम ऑफ शॉप का नाम डालना है आपको, एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। अब शॉप की कैटेगरी किस कैटेगरी में आपकी आती है, तो यहाँ से जैसे आप जैसे कॉमर्शियल स्टेबलमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड बिजनेस आ जाएंगे। देखते हम ये देखिए, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपकी कैटेगरी क्या है, कॉल सेंटर है, कैंटीन है ना, गोडाउन है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर जैसे कोचिंग क्लास भी होते हैं सारे अन्य ऑप्शन, तो ये यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं आपके रिलेटेड, तो यहाँ से आप शॉप है तो शॉप को सिलेक्ट कर लीजिए, ये से रिलेटेड आ जाएंगे, फुटवेयर आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा है ना, किराना आ जाएगा, किससे संबंधित शॉप है ना, एटिंग हाउस वगैरह है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, तो ये आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा, तो आपकी और यदि इनमें भी है ऐसा नहीं आ रहा है आपका, तो आप अदर भी ले सकते हो, यहाँ पर आपको एक अदर ऑप्शन मिलेगा शॉप के अंदर का, शायद अदर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अदर भी ले सकते हैं जब आपका रिलेटेड नहीं आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, डे ऑफ वीक ऑफ, ऑफ का कब रहता है, संडे मंडे में जब भी ऑफ रहता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट, तो एक महीने के अंतर्गत ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है आपने, तो जो भी आपकी डेट है बिजनेस स्टार्ट की वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैनेजर नेम है, मैनेजर फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी इजी फील्ड है जिसे आप, मुझे आता है जैसे कि आप इनको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर नहीं आ रही है वो है फीस, फीस कैसे आई, तो फीस जब आप यहाँ से आपका शॉप का टाइप सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा मेंबर्स, कितने मेंबर्स आपके इसमें हैं काम करते हैं वो भी आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा, तब जा कर के पेमेंट यहाँ पर आएगा। हम सेलेक्ट उदाहरण के तौर पर अगर मान लो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ से नंबर ऑफ टाइप ऑफ सॉरी शॉप टाइप और उसमें एम्प्लॉई कितने एम्प्लॉई आपके काम करते हैं, 1 से 3 एम्प्लॉई है तो उसके अनुसार यहाँ पर आपकी फीस आ जाएगी। तो जब आप पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉई सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिल जाएगा, यदि आप का रजिस्ट्रेशन यानी जो बिजनेस स्टार्ट डेट है वो पहले का है तो उसमें पेनल्टी भी आएगा, तो वो भी यहाँ पर पूरा आ जाएगा, पूरा डिटेल यहाँ पर वो दे देगा। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे आती है आपकी, वो रजिस्ट्रेशन फीस उसका चालान आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके साथ ही इसे जैसे आप सेव करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना है, जिसमें दुकान के फ़ोटो हो गए, दुकान का एड्रेस हो गया, जो एम्प्लॉई सॉरी प्रोपराइटर है उसका फ़ोटो हो गया, उसका एड्रेस हो गया। इसके साथ ही साथ एक फॉर्म यहाँ पर फिल करना होगा, जो जैसे आप इसे सबमिट करेंगे सेव करेंगे एज इट इज़ ऐसे कैसे वो निकल के सामने आ जाएगा, तो वो फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है। मैं अभी यहाँ पर कोई डिटेल फिल नहीं कर रहा हूँ, यदि हम यहाँ पर कुछ डिटेल फिल भी करते हैं चलो हम देख लेते हैं किस प्रकार से आएगा वो चीज़ हम देख। देखिए हमने ये बेसिक तौर पर फॉर्म भरा है, ये डमी फॉर्म है हमारा, तो ये फॉर्म हमने सबमिट किया, जैसे मैं सबमिट करता हूँ ऑटोमेटिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस आ गया 200। ठीक है, अब यदि आप एम्प्लॉई को बढ़ा देते हैं, ये 4 से 9 है, मैं 1 से 3 कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली 50 रुपये यहाँ पर कम हो चुके हैं, तो उतने का चालान बनाना आपको जितना आपका इसमें आता है। ठीक है, चालान के 2 प्रोसेस हैं, आप यदि ऑनलाइन चालान नहीं बना सकते हो तो अभी यहाँ पे मैनुअल चालान भी हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, मैं तो कहूँगा कि आप ऑनलाइन चालान ही बनाइए, क्योंकि ऑफलाइन जो चालान बन रहे हैं कहीं ना कहीं वो डिटेक्ट नहीं होते हैं, वो समस्या क्रिएट होती है, तो आप ऑनलाइन को ही सिलेक्ट करें और ऑनलाइन चालान क्रिएट करें। तो ऑनलाइन चालान के लिए यहीं पर लिंक दे रखा है, साइबर ट्रेजरी, यहीं से हम इसे
क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये लेबर ऑप्शन दे रखा है, लेबर डिपार्टमेंट का है, तो लेबर डिपार्टमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। ये लेबर में गए, अब जहाँ जो आपको मेन समस्या आ रही है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, वो है मेन समस्या आपकी चालान की, कि आप चालान क्रिएट नहीं कर पा रहे। देखिए, चालान के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, नहीं डाले कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस नेम, आपकी दुकान का नाम आप डाल सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं A to Z, मैं डाल देता हूँ। इसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट ले लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उदाहरण के तौर पर हमने आगरमालवा सेलेक्ट किया था, हम कोई भी ले लेते हैं, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिपॉजिटर नेम में आप अपना नाम डाल दीजिए, ABC जो भी नाम है आपका। इसके बाद आपका एड्रेस यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी एड्रेस है ना, स्टेट हमने यहाँ पे राजगढ़ हमने लिया था, तो अब हम यहाँ पर भी राजगढ़ ही ले लेते हैं। तो आप कहेंगे कि वहाँ पर कुछ और लिया और यहाँ पर ऐसा क्यों, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर डमी देख रहे हैं, हम फिल करना देख रहे हैं, ये राजगढ़ है, तो मैं यहाँ से राजगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल आईडी डिपॉजिटर की डालना है, A to Z जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। मेन जो चीज़ आती है, मेन चीज़ जो आती है वो है इसका हेड नंबर, गलती से भी गलत नहीं हो जानी, तो वो चालान कैसे काम करेगा। तो हमने बता दिया था 230 101 101 रिसिप्ट अंडर शॉप स्टेब्लिश एक्ट 1958। तो यहाँ पर ये हेड नंबर आ गया जिसको हमने उस समय देख लिया था, ठीक है। तो यह हमने कॉपी भी किया था, आपको बताया था कि आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास, तो आप खोल के भी ओपन करके रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो ये हेड नंबर यहाँ पर है, तो वही हेड नंबर हमें सिलेक्ट करना है। पर्पस क्या है, तो शॉप रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर टाइप कर दिए शॉप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पीरियड क्या है, तो पीरियड टाइम आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए, ये भी मैंडेटरी नहीं है, जो भी चाहें ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा बैंक, ठीक है। अमाउंट में अमाउंट डाल दीजिए, 150 रुपये था, और बैंक में बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक है, ठीक है। इसके बाद इसको सबमिट करके और नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं, फॉर्म डेट यहाँ पे पूछ रहा है ये, तो हम डेट यहाँ पे सेलेक्ट इसमें से कर सकते हैं आप, 1 जनवरी से, है ना। अब आप पूरा 3 ईयर का रहता है पीरियड, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए, एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको डालना होगा। अब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब बात हुई है पूरा कंप्लीट की, तो हम कंप्लीट कर देते हैं इसको, है ना। यहाँ पर जो कैपिटल है वो कैपिटल आपको डालना होगा, ये शायद स्मॉल डल गया है, अब यहाँ पर जो है कि आपका जो चालान हमने ऑनलाइन अभी हमने जो भी चालान काटेंगे हम, वो चालान नंबर उस पर CIN नंबर आएगा, उसी चालान पर CRN नंबर भी आएगा, और उसी पर ट्रेजरी चालान नंबर भी आएगा, और ट्रेजरी चालान की डेट, जिस भी डेट को आप काटते हैं वो डेट भी उस चालान पर लिखी होगी। बस आप इसको सबमिट कर दीजिए, इसके जस्ट बाद ही वो डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे, जिसको कि आपको इसमें सबमिट करना है। शायद यहाँ पर हमारा ये आ गया है, आगे बढ़ गया है, इसमें देखिए आप डॉक्यूमेंट, अब हम इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको लेना है, आइडेंटिटी कार्ड आपको, आईडी प्रूफ लेना है, एड्रेस प्रूफ लेना है ना, लोकेशन जो भी दुकान का आपको लोकेशन है उसका एड्रेस प्रूफ, तो उसमें बिजली बिल कहीं ना कहीं रहता है, और जो है कि आपका टेलीफोन बिल भी मान्य रहता है, तो जो भी प्रूफ हो, या फिर स्टाम्प जो है कि अग्रीमेंट जिसे कह दें, अग्रीमेंट आपका रहता है, वो भी आप ले सकते हैं। और फॉर्म ए, अब ये फॉर्म में कहाँ मिलेगा, ये एक उलझने हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म है, अरे फॉर्म में ये यहीं दे रखा है, ये डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है, यहीं पर दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो PDF में ये फॉर्म मिल जाएगा, ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया है, ये फॉर्म
ए है जो ओपन हो चुका, इसमें आप जो जो भरेंगे आपकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको इससे संबंधित पूरी डिटेल फिल करके देना है, ये पूरी डिटेल, यस और नो में जो आप लगा रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं वो। अब तो एमपी शॉप रजिस्ट्रेशन इतना ईजी हो गया, एक दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलकर करा रहा है, ऐसा इसकी साइट करी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उस पर साइट पर नोटिफिकेशन भी है। अब जैसे ही इसको ये सब लेकर के आप सबमिट करेंगे तो आपको डॉकेट नंबर मिल जाएगा और एक पासवर्ड मिल जाएगा, ये यहाँ से सर्च भी आप कर सकते हैं डॉकेट नंबर क्या होता है और पासवर्ड क्या होता है, वो आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप दुकान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यदि साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो आपने देखा समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल से जुड़ें, और भी हम बाकी चीज़ें आपको जो भी डिमांड है, कुछ लोगों ने और भी हमसे डिमांड की है कि सर इसका वीडियो आप बनाएं, चालन का खास तौर पे वीडियो का डिमांड किया था बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे, उन लोगों ने किया था, तो उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल इस प्रकार की कमेंट किया हमें और कहा कि सर इसका पूरा वीडियो बनाएं, और उसके लिए हमने ये तैयार किया है, तो अच्छी बात है। और भी आप इस प्रकार के जो भी आपको डाउट्स हैं उनके लिए आप कमेंट करें, धन्यवाद।